हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। यार कुछ दिन पहले हमने एक सर्वे किया था, आपको याद होगा कि भाई हमने पोल में डाला था कि आप चूज करो क्या आप इस चैनल पे हमारे हिमाचल और उत्तराखंड की जो संस्कृति है या जो फेमस प्लेसेस है उनको देखना चाहते हैं। तो भाई बहुत से व्यूअर हमारे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ज़रूर दिखाएं हमें। तो यार आज हमने सोचा क्यों ना इस चैनल पे हम पहला व्लॉग डालें, और पहले व्लॉग में हम आपको अपने रोहड़ू की जो बहुत ही फेमस जगह है हाटकोटी टेम्पल, भाई दूर दूर से जो श्रद्धालु है ये आते हैं, भाई बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा माता का टेम्पल है। अगर आप कभी नहीं आए हो तो यार एक बार जरूर से आइए। तो व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अभी यार हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और जो मेन रोड से मंदिर जाने के लिए रोड है इस पे हम उतर रहे हैं, और अभी हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो यार अभी फाइनली हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे जो चुनरी है और जो भोग है माता के चढ़ावे के लिए रखा होता है, आप यहाँ से इजीली इसको ख़रीद सकते हैं और फिर मंदिर में जाके माता को ये सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो मंदिर के मुख्य द्वार से पहले भी एक यहाँ पे इस तरह का गेट बनाया गया है ताकि अनावश्यक रूप से कोई गाड़ी मंदिर परिसर में ना जा सके। तो जो मुख्य द्वार है उसके बाहर आपको एक हैंडपंप देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे कुछ नल जो लगे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लेने हैं और फिर ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ देख सकते हैं जो एक पौधा है इस पे भाई बहुत सारी चुनिया बांधी गई है, बहुत सारे मन्नतें मांगी गई हैं। यहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हैं, और साथ में यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई है मुख्य द्वार के बाहर। तो मुख्य द्वार के सामने इस तरह से जो ये पत्थर है इनको आकार दिया गया है, आप देख सकते हैं, और एक के ऊपर एक सात पत्थर इस तरह से सजाकर रखे गए हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहीं से आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी गई है मंदिर कमेटी के द्वारा, आप एक बार इसको ज़रूर से पढ़ लें। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मंदिर में प्रवेश करने पे आपको जो सबसे पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ शेर की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जिनको इस तरह से यहाँ पे नारियल चढ़ाए जाते हैं, साथ ही साथ इनकी रोज़ से पूजा की जाती है। जो प्रसाद है वो इनको कुछ इस तरह से खिलाया जाता है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये जो प्रतिमाएँ हैं ये पीतल की बनी हुई है, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। हाटेश्वरी माता के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे एक शिवालय मंदिर का निर्माण भी किया गया है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो हाटेश्वरी माता है उनको महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शिल्पकला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के साक्षात दर्शन होते हैं, और ये भव्य मंदिर 10वीं शताब्दी का बना हुआ है। यही माता हाटेश्वरी का मंदिर है। इसी मंदिर के अंदर माता की अष्ट धातुओं से बनी हुई मूर्ति रखी गई है। आपको मैं बता देता हूं कि यहां पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पुजारी यहां के गर्भगृह में जाके माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप यहां पे जाइए, माता के दर्शन कीजिए, आपको गर्भगृह में जो माता की मूर्ति है वो बाहर से ज़रूर से दिख जाएगी। तो अभी मैं भी माता के दर्शन कर लेता हूँ यार, उसके बाद मैं आपको इस मंदिर का एक पूरा चारों तरफ का दृश्य दिखा दूंगा। मंदिर में आने से अपार शांति का अनुभव होता है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक जो मान्यताएं हैं यार उनके अनुसार यहाँ अज्ञातवास के समय में पांडव आए थे और यहाँ कुछ समय कुछ दिन बिताए, इसका प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलता है, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि उनके द्वारा यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो बनाई गई है।
तो माता के मंदिर के ठीक बाहर एक इस तरह का जो ताम्र का बना हुआ घड़ा रखा गया है, लोकल लैंग्वेज में इसका नाम चुरू है। और आपको इसकी एक खास बात बता दूं कि भाई इसको जो एक लोहे की जंजीर से बांधा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस जंजीर का जो दूसरा किनारा है वो माता के पैरों के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पे जो नदी है, फेमस नदी है पब्बन नदी, जब वो अपने उफान पे होती है तो बताया जाता है यार इस घड़े में से बहुत तेज़ सीटियों की आवाज़ निकलती है और यो भागने की कोशिश करता है। इसलिए ये जंजीर जो है ये माता के पैरों के नीचे दबाई गई है, इसी वजह से ये घड़ा आज भी यहाँ पे सुरक्षित है। और साथ ही साथ आपको इस घड़े के बारे में एक और बात बता दूं, जब यहाँ पे कोई मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है तो सारा खाना इसी घड़े के अंदर रखा जाता है, और जब तक भंडारा समाप्त नहीं होता इसका भोजन भी समाप्त नहीं होता है। माता के मंदिर के साथ ही यहाँ पे एक शिवालय मंदिर का निर्माण भी किया गया है। आप देख सकते हैं जो मंदिर है उसके सामने नंदी जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, और यहाँ से सीधे सामने अगर आप जाए तो अंदर आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगा जिसका अभिषेक रोज किया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ और भी रखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो शिवलिंग है ये यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे रखा गया है। और मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं इस तरह से पत्थर में काट के जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद ये बन के तैयार हुई होंगी। माता के मंदिर के साथ साथ ही यहाँ पे 5 छोटे छोटे और मंदिरों का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये शिखर शैली में बने हुए मंदिर है, और इनकी जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से है। जो 5 मंदिर है वो देखने में एक ही तरह के और एक ही साइज़ के हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी कलाकृति है वो सेम एक की तरह की गई है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पे जो पांडव हैं उनके द्वारा अज्ञातवास में बनाए गए थे। तो मंदिर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ये मंदिर शिमला से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माता हाटेश्वरी का मंदिर विश्कुल्टी, रायनाला और पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखराकार नागर शैली में बना हुआ था, बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं फिलहाल मैं जो मंदिर के पीछे आया हूं आपको दिखाने की मंदिर के पीछे और क्या क्या है, तो फिलहाल मंदिर के पीछे तो कुछ है नहीं, लेकिन यहां पे जो चारों तरफ से जो मंदिर की आप बनावट देख सकते हैं वो एक ही तरह की है, और जो पत्थर में डिज़ाइन डाले गए हैं वो चारों तरफ से एक जैसे ही दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर जो मूर्तियां हैं बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो काम किया गया है, पत्थर को काट के ये मूर्तियां बनाई गई हैं। अपने समय में यार ये मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर रही होगी, इतने टाइम बीतने के बाद भी आप इसमें आसानी से देख सकते हैं इनमें जो मुंह बनाए गए हैं और इनमें जो और भी कलाकृतियाँ की गई हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर हैं। मंदिर की दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है, और साथ ही साथ इन पत्थरों पे जो डिज़ाइन तैयार किया गया है ये सारा डिज़ाइन हाथों से ही तैयार किया गया है। इसको आप तभी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक बार खुद से आएँ और ख़ुद से इस चीज़ को आप देखें। वीडियो में तो आपको इतना ज़्यादा इस बारे में पता नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे शिवालय मंदिर के बाहर नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। मान्यता ये है अगर आप इनके कान में अपनी कोई इच्छा बताते हैं तो भाई आपकी इच्छा ज़रूर से पूरी हो जाती है यार। मंदिर की पूरी छत का जो काम किया गया है वो लकड़ी और पत्थर से पूरी छत है जो कि बनाई गई है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है मंदिर को बनाने के लिए। तो अभी मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं और आपको बता देता हूं कि जो मंदिर में चलने के लिए इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं, अगर आप
दिन में यहाँ आते हैं और अगर धूप पूरी निकली हुई होगी और अगर आप इन पत्थरों पे चलेंगे तो यार ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, आपके पैर तक जलने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं भी इन्हीं पत्थरों पे चल के आया हूँ और मेरे पैर अभी बहुत ज़्यादा यार गर्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर और आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर के पीछे कुछ इस तरह के और पत्थर रखे गए हैं। मंदिर में एक पार्क का निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रास्ते हैं उसके दोनों ओर इस तरह के प्यारे प्यारे पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही देखने में ज़्यादा सुंदर है यार। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो ये पार्क है इसमें अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है। मंदिर के बैक साइड जो पार्क है वहाँ से जो मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से आता है आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ये जो पार्क है अभी जो कोविड है उसकी वजह से यहाँ का जो कार्य वो रुका हुआ है, कुछ टाइम बाद यहाँ का जो कार्य है वो फिर से चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक ये ग्राउंड है पीछे, यहाँ पे जब नवरात्रे होती है तो यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस वक्त यार इस मंदिर में। और मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु है उनके बैठने के लिए इस तरह की जो जगहें हैं उनका निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस पे भी पूरा लकड़ी का काम किया गया है और साथ ही साथ इस पे जो डिज़ाइन है इसके पिलर में आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है यार। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो आखिरी गार्डन की दीवार है इस पे बहुत सारे फूल लगाए गए हैं। तो अभी हम चलते हैं यार मंदिर के बाहर। तो यार फ्रेंड्स अभी हम मंदिर से आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है जो कि भाई यहाँ से बिजली तैयार की जा रही है, अभी ये हाल में ही बना है। तो यार अगर आप इस पे एक सेपरेट जो व्लॉग है देखना चाहते हैं तो गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स यार आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो यार एक लाइक ज़रूर से कर लें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यार ये हमारी वीडियो पे पहला व्लॉग था। तो भाई अगर आप दूसरा व्लॉग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तब तक स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।